हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल विजिब एक्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ असिस्ट बीन के बारे में कि कैसे हम असिस्ट बीन का यूज करते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको भी वॉच करते रहिएगा और देखते रहिएगा ताकि आपको किसी चीज़ में भी दिक्कत ना हो। एक एक ट्यूटोरियल, एक एक पॉइंट मैं आपको इस पर बताता रहूँगा और सिखाता रहूँगा। ये देखिए, ये हम खोलते हैं EDS 10 और ये हमारे पास में कुछ वीडियो क्लिप्स हैं। तो असिस्ट बीन किसको कहते हैं दोस्तों? ये आपके पास में जो राइट हैंड पे जो क्लिप होता है, ये वाला पॉइंट जो होता है, ये असिस्ट बीन कहलाते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप अपनी फुटेज लेके आते हैं तो इसके अंदर आप लोग एक गलती करते हैं कि इसमें ही सिक्वेंस बना देते हैं और इसके ही अंदर आप सीन क्रिएट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप इसके अंदर रूट्स बनाएंगे तो रूट्स में क्या होगा, आपको फोल्डर अलग से भी एक बनाना पड़ेगा। जैसे मैं फोल्डर बनाता हूँ, अब ये देखिए, ये इसमें हमारे सीन हो गए, यहाँ पे आपने फुटेज ले ली, इसको हम कर देते हैं रीनेम। जैसे फुटेज को हमने लिख दिया है वेडिंग फुटेज, ठीक है। और ये आपकी आ गई, ये आपका आ गया यहाँ पे म्यूजिक, ठीक है। ये आपका म्यूजिक आ गया है, ये वेडिंग फुटेज आ गई है। तो इस तरह आपने भी अपने आप से इस तरह फोल्डर क्रिएट करने हैं। ये देखिए, यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ पे करके राइट क्लिक करना है, न्यू फोल्डर कर देना है। जैसे म्यूजिक आ गया, अब आपका टाइटल रह गया टाइटल, तो ये आपका टाइटल आ गया। अब क्या है, ये तीनों चीज़ें एक साथ आ गई। ये देखिए, ये क्या है, इसके अंदर टाइटल आ गया है। अब इसको अलग करना चाहते हैं आप इसको म्यूजिक को, तो इसको आप बाहर कर दीजिए ताकि इसके अंदर ना आए। तो ये देखिए, अब क्या ये रूट्स जो हैं तीनों के तीनों अंदर रूट्स में आ रहे हैं ये आपके, है ना। तो इस तरह रूट्स के अंदर ये आपके म्यूजिक आ गया। आप कोई भी म्यूजिक इंपोर्ट करेंगे, टाइटल इंपोर्ट करेंगे या वेडिंग की फुटेज, तो एक प्रोसेस के थ्रू दोस्तों हमने काम करना है। अगर आप इस तरह से प्रोसेस नहीं करेंगे तो हो सकता है आप काम ना कर पाए और आपको दिक्कत हो। इसको थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इस टाइप से भी, और यहाँ से ये जो कॉर्नर पर क्रॉस होता है इसको आप बंद कर दीजिए और अपनी टाइमलाइन को बड़ा करके प्रोसेस के थ्रू एक काम कीजिए, ठीक है। यहाँ से आपका जूम इन कंट्रोल माइनस, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, कंट्रोल माइनस देन कंट्रोल प्लस, इसका जूम ऑप्शन होता है EDS का, और कंट्रोल 2, 3, 4, 5, यानी कि कंट्रोल 2, 3, 4, 5 के द्वारा भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। कंट्रोल 1, 2, 3, 4, या आप माइनस प्लस भी कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस और प्लस, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी म्यूजिक टाइटल, और इसके ऊपर कुछ सेटिंग्स होती हैं, ये सर्च, ये देखिए आपकी क्लिप है ये, इसमें आप क्लिप सर्च कर सकते हैं। ये मूव टू अप बैक स्पेस, ठीक है। यहाँ से ये आपका ऐड क्लिप कंट्रोल ओपन, यहाँ से आप कंट्रोल ओ, या इसकी शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल ओ, ठीक है। यहाँ से आपके टाइटल आप डाल सकते हैं इसमें, अगर डालना चाहें। यहीं से ही आपके पास में एक टाइटल का पॉइंट होता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और कुछ नई चीज़ें। सो प्लीज़ की वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।